हेलो गाइस, ऐसे कि प्रीवियस वीडियो में स्पेसिफिक स्पीड फॉर हाइड्रोलिक टरबाइन मैंने बताया था, इस वाले वीडियो में मैं स्पेसिफिक स्पीड फॉर सेंट्रिफ्यूगल पंप बताऊंगा। बेसिकली स्पेसिफिक स्पीड फॉर सेंट्रिफ्यूगल पंप में वी डिफाइंड द स्पीड ऑफ अ पंप एट ए सेंट्रिफ्यूगल पंप विच डिलीवर्स यूनिट डिस्चार्ज अंडर यूनिट मैनोमेट्रिक हेड विद द सेम डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, जबकि हमको पता है कि टरबाइन के केस में आउटपुट हमको कहीं ना कहीं पावर मिलता था, तो पावर किस चीज़ पर डिपेंड करता था, वो रिलेशन लेके हम क्या करते थे, पावर आरपीएम और हेड में रिलेशन एस्टेब्लिश करते थे। और एन एस इज इक्वल टू एन अंडर रूट पी अपॉन एस टू पावर 5/4 एक्सप्रेशन अचीव करते थे। तो सेंट्रिफ्यूगल पंप के केस में क्या होगा, हमको आउटपुट में डिस्चार्ज मिलेगा, डिस्चार्ज का स्पीड और मैनोमेट्रिक हेड के टर्म में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। और एक्चुअली होता क्या है, एक्सप्रेशन वो लिख देते हैं स्पेसिफिक स्पीड सेंट्रिफ्यूगल पंप के केस में, फार्मूला क्या होता है, होता है एन एस इज इक्वल टू एन अंडर रूट स्क्वायर रूट में टरबाइन में पाई पी होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू डिस्चार्ज अपॉन टरबाइन में नेट हेड होता था, यहाँ पे मैनोमेट्रिक हेड हो जाएगा पावर 3/4। क्योंकि हमको पता है डिस्चार्ज क्या होता है, एक्चुअल एरिया इंटू फ्लो इंटू फ्लो वेलोसिटी, एरिया पाई डी भी ले सकते हैं इंटू वी एफ। मान लो बी और डी बराबर है तो क्या भी हो सकता है, पाई डी स्क्वायर इंटू वी एफ, तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर इंटू वी एफ। ठीक, अब भाई वी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बता चुके हैं वी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच होता था, यहाँ पे अंडर रूट एच एम हो जाएगा। ठीक, तो इसी जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एच एम। और डी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच एम बता चुके हैं, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच एम अपॉन एन। ठीक, तो ये इक्वेशन नंबर टू कह सकते हैं, इस वाले को इक्वेशन नंबर वन कह ही चुके हैं, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन नंबर टू थ्री फोर से हम क्या लिख सकते हैं, Q is directly proportional to under root hm upon n का whole square into under root hm। Q is directly proportional to क्या हो जाएगा, hm to power 1 into hm to power 1/2 अपॉन एन स्क्वायर। तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एच एम टू पावर 3/2 अपॉन एन स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ जाएगा क्यू का, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एम टू पावर 3/2 अपॉन एन स्क्वायर। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मान लीजिए हटती है तो क्या आएगा, ये कॉन्स्टेंट आएगा, क्यू इज इक्वल टू के एच एम टू पावर 3/2 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक, अब जैसा कि डेफिनेशन कहती है किसी भी सेंट्रिफ्यूगल पंप की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो क्या होती है, पंप की स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, पंप की स्पेसिफिक स्पीड सेंट्रिफ्यूगल पंप की वो स्पीड होती है जिस पर कि ये डिस्चार्ज वन हो जाता है और मैनोमेट्रिक हेड क्या हो जाता है, वन हो जाता है। चलिए ठीक है, डिस्चार्ज को वन कर देते हैं, के देखते क्या आता है, एच एम वन हो जाएगा 3/2, तो एन स्क्वायर यही क्या हो जाएगा, एन एस स्क्वायर। तो इस तरीके से के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एस स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर इसको फाइव कहते हैं भाई, इसको कहते कहते सिक्स, क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स से हमारे पास क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन एस स्क्वायर इंटू एच एम टू पावर 3/2 अपॉन
एन स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से एन एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर क्यू अपॉन एच एम टू पावर 3/2। दिस इम्प्लाइज डैट एन एस इज इक्वल टू एन अंडर रूट क्यू अपॉन एच एम टू पावर 3/4। इस तरीके से ये आ जाता है फार्मूला, स्पेसिफिक स्पीड फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप डेट इज एन अंडर रूट क्यू अपॉन एच एम टू पावर 3/4। ओके, थैंक यू।